हे अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं ऑल उर्दू टिप्स। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स रियली में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किसी भी पिक्चर में से अनवांटेड कंटेंट को किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सम टाइम हो जाता है हमारी कोई भी पिक्चर जो है वो बहुत ही अच्छी आती है, लेकिन उसमें कोई भी अनवांटेड कंटेंट हमारी पिक्चर के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर बिल्कुल जो है फजूल और बेकार लग रही होती है। तो आप बहुत ही इजीली जस्ट वन क्लिक पर उन अनवांटेड ऑब्जेक्ट को जो है रिमूव कर सकते हैं, उस चीज़ को जो है वहाँ से गायब कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मान लें इस तरह से आपने कोई भी पिक्चर ली है, तो इस साइड पर आप देख रहे हैं एक बच्चा बैठा हुआ है और दूसरी साइड पर आप देख रहे हैं बच्चे के साथ भी कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो अगर गलती से इस तरह की कोई भी चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में, आपकी पिक्चर में कुछ भी आ गया, या आप किसी भी फोटो में से कुछ भी रिमूव करना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, उस ऑब्जेक्ट को, उस एरिए को आप रिमूव करवा सकते हैं। तो अगर आप लोग भी जानना चाह रहे हैं कि ये सब आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखते रहें, और साथ में आपने करना होगा इस ऐप को इंस्टॉल, जिसका लिंक मिलेगा आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जिस तरह ही आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे आए, फर्स्ट लिंक होगा, वहां से आपने इस ऐप को इंस्टॉल करना है और यहां पर क्लिक कर वीडियो को कर दें लाइक, रेड कलर के बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल की ऑप्शन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर दें, और थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर कॉमेंट बॉक्स में, और यहाँ पर आकर लिख दें नाइस ऐप, इतना लिखने के बाद सेंड कर दें। चले यहाँ पर मैं इस ऐप को ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो जैसे फर्स्ट टाइम में आप इस ऐप को ओपन करेंगे, यहाँ पर टैप टू स्टार्ट पे क्लिक कर दें, यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर दें, इस ऐप को परमिशन दे दें, यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस है, ये सारी ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगी। आपने सिंपली फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है ऑब्जेक्ट रिमूव पे, और यहाँ से गैलरी में से कोई भी पिक्चर आप सेलेक्ट कर लें जिसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं। चले यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो चले यहाँ से मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पिक्चर हमारी आ गई, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस एरिया को आप रिमूव करना चाह रहे हैं आपने उसको जो है हाईलाइट कर लेना, सेलेक्ट कर लेना। चले यहाँ पर मैं ब्रश पे क्लिक करता हूँ और उतने एरिए को मैं फिंगर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से आपने उस एरिए को सारा जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इस तरह से आपने उतने एरिए को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको थर्ड ऑप्शन नजर आ रही इरेज की, आपने उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद ऊपर गो पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी, तो यहाँ पर आप लोग मैजिक देखेंगे फ्रेंड्स, उसने उतने एरिए को जो है वो रिमूव कर दिया, इरेज कर दिया। तो आपकी पिक्चर में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसे आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं, तो उसे आप बहुत ही इजीली जो जस्ट वन क्लिक पर रिमूव कर सकते हैं। अगर फोटोशॉप में करेंगे तो आप लोगों को पता है वहां पर बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और यहां पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें तो ये पिक्चर हमारी यहां पर आ गई। ऊपर सेव की ऑप्शन मिल रही है, उस पर क्लिक कर दें तो ये पिक्चर जो है हमारी गैलरी में सेव हो गई। अगर व्हाट्सएप या कहीं पर किसी को शेयर करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर मिलेंगे, तो देखते रहें, सीखते रहें नई नई चीज़ें।